Hi friends, how are you? I'm Dr. Divya Kalra. Hope you remember, right? Anyways, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ एंड दैट टॉपिक इज PCOD और PCOS. वेरी कॉमन, राइट फ्रेंड्स. आज की डेट में PCOS या PCOD इतना कॉमन हो चुका है कि एवरी सेकेंड पर्सन सेज ओ आई एम सफरिंग फ्रॉम PCOS, ओ वी हैव हॉर्मोनल इम्बैलेंस, ओ वी डू नॉट गेट मेंस्ट्रुएशन ऑन टाइम, ओ वी हैव गॉट फेशियल एक्ने, वी हैव गॉट फेशियल हेयर. सो मच कॉमन. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट? इट्स योर लाइफस्टाइल. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, it is the abbreviated form of PCOS. My dear friends, you have to be actually knowing ki ye ek lifestyle disorder hai. Jitna hamari body mein junk intake, irritated drinks, pizza, burger, maida ja raha hai, carbs zyada ja rahe hain, healthy grains kam ja rahe hain, hamari body mein antioxidant level kam ho raha hai. That is why there is a production of free radicals, and that is the reason that there is inflammation in the body, which is sometimes known to be specifically in one organ, that is ovaries, and this is PCOS. Now, एक बहुत ही common चीज़ है, लोग कह रहे हैं कि हमारा lifestyle तो ठीक है, हम तो बहुत ही balanced diet भी खाते हैं, फिर क्यों PCOS हो रहा है? Yes, you are taking balanced diet, but second reason क्या हो सकता है? हम जो डेरी कंज्यूम कर रहे हैं, सी द कैटल आर बीइंग फेड ऑन एस्ट्रोजेंस, द वीट दैट वी आर ईटिंग दीज डेज, इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड. सो इवन इफ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, बट स्टिल समवेयर समहाउ इट इज़ कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तब भी लोगों को PCOS हो रहा है. सो आज इस वीडियो में जो मैंने आपको दो बेसिक रीजंस बताए हैं, अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर व्हेन योर लाइफस्टाइल इज एक्चुअली बैड, एंड अनदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर व्हेन योर लाइफस्टाइल इज नॉट एक्चुअली बैड. सो यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट कि आपका PCOS किस वजह से हुआ है, और इसके लिए हमारी डाइट मैनेजमेंट जो होनी चाहिए, हमें इसके लिए पर्सनली क्या अप्रोच रखनी चाहिए टू लूज वेट और टू कम्प्लीटली क्योर द PCOS, वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे. नाउ फ्रेंड्स, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ फ्लैश ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स वी हैव इन द PCOS पेशेंट्स. वेरी कॉमन साइन इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. देर आर टाइम्स कि लोगों को पीरियड्स टाइमली नहीं आते हैं, जो एक 30 डेज का साइकिल होना चाहिए, इट मे गो अप टू 45 डेज, इट मे गो अप टू 50 डेज, एंड इन सम पेशेंट्स इट कैन गो अप टू 6 मंथ्स. येस, आई एम राइट, 6 महीने पीरियड्स ही नहीं आते हैं, एंड इट्स एक्चुअली वरीसम एट दैट पॉइंट. नाउ सेकेंड सिम्टम इज एमिनोरिया, कि पीरियड्स आए, मतलब जो बट मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए था वो बहुत ही कम आया, बहुत ही स्कैंटी था, और जस्ट स्पॉटिंग होके ख़त्म हो गया. अगेन, ये बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक हो जाता है. एंड देयर टाइम्स देयर इज नो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ पीरियड्स में इशू है, बट PCOS है, उसमें कुछ डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. यू कैन हैव फेशियल हेयर, स्पेशली ऑन द स्किन एरिया. देन यू कैन हैव फेशियल एक्ने, बिकॉज इसमें एंड्रोजन लेवल काफ़ी राइज हो जाता है, तो एक्ने काफ़ी पॉप अप हो जाते हैं. एंड देर कैन बी एबनॉर्मल वेट गेन. तो यू हैव टू एक्चुअली फिगर आउट कि आपको अगर PCOD है तो इनमें से कोई सिम्टम है या नहीं. एंड इन फ्यू केसेस इट कैन बी टोटली एसिम्टोमेटिक टू. नाउ कैसे पता चलेगा कि PCOD है? फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड गेट अ स्कैन डन, USG abdomen with a special focus on reproductive organs, especially in on your ovaries, because ये जो water cyst है, इससे ovarian volume थोड़ा सा high हो जाता है, as compared to a normal ovary, they turn bulky. There are times endometrial thickness भी कम हो जाती है, that is why shedding नहीं हो रही है. And there are times multiple cyst इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि जो एक normal ovum को mature होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. नाउ जब हम एज अ मदर कोई भी हम सोचें कि ओ माई डॉटर इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOS, वी गेट वेरी वरीसम, एंड इट्स ऑब्वियस. बट अगेन, एज मैंने फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट शॉट में ही बोला था कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वी कैन नॉट ट्रीट इट, इट्स रिवर्सिबल एंड इट्स वेरी इजीली रिवर्सिबल, बट येस यू हैव टू पुट एफर्ट्स। और जो मैं आपको आगे डाइट प्लान में बताने जा रही हूँ कि हमें इस तरह अप्रोच रखनी चाहिए, आप उसको फॉलो करो और एंड यू कैन रिवर्स योर PCOS। नाउ फ्रेंड्स, एज आई जस्ट सेड कि अगर हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, यानी हमारा लाइफ स्टाइल ही ख़राब है, तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सी, व्हेन योर लाइफस्टाइल इज़ बैड, फर्स्ट थिंग इज़ इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। अगर आप जंक खा रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, तो वेरी सिंपल, कीप इट हेल्दी। आपको कोक पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पेप्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्विच टू नींबू पानी, यू कैन स्विच टू छाछ, यू कैन स्विच टू कोकोनट वाटर, दे आर हेल्दी ड्रिंक्स। व्हेन यू वॉन्ट टू फिल योर सेल्फ विद नूडल्स, बर्गर, स्पेगेटी और वट एवर, then you can switch to dal roti sabzi, you can have dosa sambar, you can have anything that is homemade, that is not having masalas and much things, ya bahut zyada colors ya ajinomoto, ye sab cheeze nahi hai. And especially yes, Chinese food, it actually causes a lot of inflammation, so try to avoid that. And agar aapko lifestyle disorder mein ye feeling hai ki aap bahut hi sedentary hai, aapki mobility bahut kam hai, then do exercise. So just treat yourself according to the cause. आपका जो cause है उसके accordingly अपने आप को treat करो and ultimately slowly and steadily you would be completely be out of this mess called PCOS. PCOS is very common in the age group of like 13-14, teenagers, up young age में, and it goes up to the age of 40 also. And sometimes it happens that there's infertility because of PCOS too. So somewhere discussing PCOS here is very important. Now, as I've said, कि हमारी क्या dietary approach होनी चाहिए towards treating PCOS, I'm going to discuss it now. Now, as far as the dietary concerns are there, I think the whole carbs, something like ragi, bajra, millets, category के जितने grains हैं, that should be incorporated in your diet. For some time, you can go gluten-free also. As I said, because the wheat is genetically modified, it's not a bad option to opt for gluten-free diet. Now these days, as I again said, ki dairy ki wajah se bahut zyada inflammation ho rahi hai. But a person who is a lot of dairy person and he says ki bhai main doodh ke bina nahi reh sakta, I would rather suggest that you can switch to almond milk, you can switch to oats milk, you can switch to soya milk. तो आप कहीं ना कहीं जो बेसिक कैटल डेयरी है उससे स्विच होके एक इन डेयरी की तरफ जा सकते हो. थर्ड थिंग इज़ क्रिएट एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट इन योर बॉडी. अल्कलाइन एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा किससे बनता है, थ्रू योर वेजिटेबल्स, दैट इज़ द लोकल वेजिटेबल्स. इन योर लोकल वेजिटेबल्स यू कैन हैव कॉलीफ्लावर्स, यू कैन हैव ब्रोकलीज, यू कैन हैव बीन्स, यू कैन हैव शिमला मिर्च, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, जो भी लोकल वेजिटेबल्स हैं, दे क्रिएट अल्कलाइन एनवायरनमेंट इन योर बॉडी. कुछ हमारी किचन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली दालचीनी, दैट इज़ कॉल्ड सिनेमम, दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द इंसुलिन लेवल्स टू. तो उसको अपना मे बी सिनेमन टी करके या सिनेमन पाउडर को किसी स्मूदी में स्प्रिंकल करके सिनेमन ज़रूर डालो. एक हमने सुना होगा कि मेथरे, हम लोग हमेशा मेथरे को डायबिटीज़ के लिए काउंट करते हैं. येस, दे आर गुड फॉर डायबिटीज़, बट इंसुलिन PCOS में एक और सिम्टम आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसको ब्रेक करने के लिए मेथरे का बहुत ही अच्छा रोल है. सो यू कैन जस्ट सोक 1 TSF ऑफ मेथरे ओवरनाइट और आप सुबह उसका पानी पीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा. अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा ऐड करें and especially in your morning and lunch hours. रात को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ and keep it low salt, because low salt से water retention के consequences भी कम होंगे. So dear friends, again as far as the diet is concerned, keep it more home-based, fresh and keep it more in antioxidants. Antioxidants के लिए wheat grass juice बहुत ही अच्छा है. Otherwise, you can have ghee ka juice, you can have cucumber juice, you can add karela in it. तो ये बहुत ही अच्छे antioxidants हैं. तो अपनी diet में इन चीज़ों को ज़रूर add करो. Salads like carrots, beets, they are really rich in antioxidants. Please include these.
और अगर आप नेचुरल हर्ब्स की तरफ जाना चाहते हो, जैसे हल्दी है, टर्मरिक, यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक इन योर मिल्क, यू कैन ऐड थोड़ा सा अश्वगंधा इन योर मिल्क, दैट इज़ अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम होंगे और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होंगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा एंड PCOD डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको आज इस वीडियो में ज़रूर पता चला है कि हमें अपने PCOD को या PCOS को कैसे रिवर्स करना है अकॉर्डिंग टू द रीज़न बिहाइंड इट। नाउ फॉर मोर हेल्दी वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। एंड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड यू कैन लीव एनी कॉमेंट एंड एनी क्वेरी वील डेफिनेटली रिवर्ट टू इट। थैंक यू, हैप्पी लिविंग।